हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ खुशबू सिंह, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हेवी स्टोन वर्क की सिल्क साड़ी की ड्रेपिंग लेकर आई हूँ और इतना सेफ तरीका लेकर आई हूँ कि आपकी साड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। बहुत सारे स्टाइल्स भी मैंने आपको बताए हैं, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो यहाँ पे जो मेरी साड़ी है ना, स्टोन्स इतने सारे लगे हुए हैं कि बहुत हेवी हो गई है फैब्रिक। तो जब भी आप साड़ी खोलोगे ना, तो हमेशा पल्लू को अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ कर देना, राइट की साइड पे इसका नॉन पल्लू वाला पार्ट आ जाएगा। अब आप लोगों ने पूछा था कि शेप वेयर क्या इतना सफिशियंट है कि वो हेवी साड़ी को कैरी कर पाएगा, तो बिल्कुल है, बस डोरी वाली शेप वेयर होनी चाहिए। तो इसका नॉन पल्लू वाला पार्ट हम राइट की साइड से स्टार्ट करेंगे टक करना और एक बेसिक राउंड लगाएंगे बिल्कुल नीचे की साइड से बराबर करते हुए। अब भले ही साड़ी स्टोन वर्क की है, नीचे की साइड पे बॉर्डर जो है हमारा थोड़ा हेवी है, लेकिन फिर भी हम अपनी फॉल को ना स्किप नहीं करेंगे। फॉल लगने से आपकी साड़ी की लाइफ बढ़ जाती है और काफ़ी टाइम तक आपकी साड़ी को कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए फॉल को कभी स्किप मत कीजिएगा। अब बेसिक राउंड लगाने के बाद साड़ी का ऊपर का बॉर्डर पकड़कर हम इसको इसकी पल्लू की साइड से ऐसे घुमा लेंगे। तो ऐसी हेवी स्टोन वर्क वाली साड़ी का पल्लू क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी होता है, तो इसलिए इसको अरेंज करने का मैं आपको यहाँ पे तीन तरीका बताऊँगी। जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से प्लीट्स अरेंज कर सकती हैं। पहला जो तरीका है, इसमें आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इस तरीके से फैब्रिक को जिगजैग पकड़ सकती हैं। इसमें आप ना मन चाहे पतली पतली प्लीट्स भी बना सकते हो। तो बिगनर्स को मैं कहूँगी कि आप ये ट्रिक को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी हेवी पल्लू जो है ना वो हाथों से फिसलेगी नहीं और मन चाहे पतली पतली प्लीट्स भी आराम से अरेंज हो जाएंगी। एंड वाली प्लीट अगर छोटी बड़ी होती है ना, तो आप उसको भी यहाँ पे आराम से ऐसे अरेंज कर सकते हो। सेकेंड ट्रिक में पल्लू का जो ऊपर वाला बॉर्डर है उसको हमें अपने टमी और हाथों के बीच में ऐसे रखना है एंड देन वन बाई वन करके इसको हमें गैदर करते चलना है। इसमें आपका जो स्टार्टिंग प्लीट होगा वो आपके पल्लू का ऊपर वाला बॉर्डर से ही शुरू होगा और एंड वाले बॉर्डर पे जाकर ख़त्म होगा। लास्ट वाली बॉर्डर अगर छोटी बड़ी हो जा रही है तो उसको आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो इस तरीके से। थर्ड ट्रिक में आप यहाँ पे पल्लू का कोई सा भी बॉर्डर ले सकते हो और वहाँ से प्लीट्स आपको ऐसे उठानी शुरू करनी है। हाथों को इस तरीके से सेट करना है एंड देन वन बाई वन इसको गैदर करना है। जब आपकी प्लीट्स अच्छे से सेट हो जाती है तो नीचे की लेंथ को आप पकड़ लीजिए, जितने भी दूर तक पकड़ना चाहते हो, जितना लॉन्ग पल्लू रखना है अपने हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो। बात आती है कंधे की प्लीट को ब्लाउज़ के साथ सिक्योर करने की, तो इसको सिक्योर करने के लिए हम नॉर्मल सेफ्टी पिन यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐसी फ्लैट सरफेस वाली पिन का यूज़ करेंगे। ये आपको मिल जाएगी आसानी से अमेज़ॉन पर, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस साड़ी की पल्लू की तरफ ना काफ़ी हेवी स्टोन्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर हम सिर्फ सेफ्टी पिन के साथ इसको सिक्योर करेंगे ना, तो ब्लाउज़ पे भी खिंचाव पड़ेगा, ब्लाउज़ की फैब्रिक भी डैमेज होगी और साड़ी की भी फैब्रिक। तो ये वाली फ्लैट पिन लगाने के बाद हम यू पिन की हेल्प से ना इस तरीके से ब्लाउज़ में इसको अटैच करेंगे। तो अब आप लोग सोचोगे कि यू पिन को तो डायरेक्टली भी हम लगा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे साड़ी में आप इसकी बॉर्डर लाइन एक बार देखिए, स्टोन की ना लाइन दी गई है, और अगर हम यू पिन को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इसमें तो इस तरीके से स्टोन बार बार बीच में आएगी, तो अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना तो स्टोन यहाँ से झड़ जाएगी, जिसकी वजह से साड़ी में से उसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये तरीका निकाला है। तो इसमें आपकी ब्लाउज़ की फैब्रिक भी डैमेज नहीं होगी और पल्लू भी बहुत अच्छे से आपके कंधे पर सेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से बॉर्डर को घुमाएंगे एंड देन कमर के पास लेकर आएंगे। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे तो बिना पिन के हो नहीं सकता, तो हम क्या करें? तो आप ना यहाँ पे अपनी बेली बटन के पास लेकर आइए बॉर्डर लाइन को एंड देन उसको यू पिन की मदद से सिक्योर कर दीजिए। अब हम राइट की साइड से जितनी भी रनिंग फैब्रिक बची हुई है हमारी, उसको हम प्लीट में अरेंज करना शुरू करेंगे एज अ सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट के लिए हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीट्स की चौड़ाई थोड़ी मेंटेन कीजिएगा। पतली प्लीट्स अगर बनाओगे ना तो टमी के पास बहुत फूला फूला सा लगेगा वो, तो इसीलिए चौड़े प्लीट्स बनाइएगा। अब लेफ्ट की साइड पे हल्की सी फैब्रिक आप छोड़ दीजिएगा। अब क्योंकि साड़ी की बॉर्डर नीचे की साइड से स्टोन वर्क वाली है तो थोड़ी सी हेवी है, जिसके कारण हर एक प्लीट बहुत अच्छे से सेट हो गई है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इसीलिए सिंपली हम इसको टक करेंगे। और अब जो फैब्रिक हमने हल्की सी छोड़ी थी लेफ्ट साइड की तरफ, ये वाली फैब्रिक हमारे प्लीट्स के नीचे से होते हुए इस साइड से बाहर निकलेगी। तो अब इसको हल्के हल्के हाथों से खींचेगा, देखिएगा कि यहाँ पे आपकी बिल्कुल क्लियर शेप नज़र आएगी, बहुत अच्छे से फैब्रिक यहाँ पे क्लीन हो जाएगी।
और अब इसको हल्का सा ट्विस्ट करते हुए हम इसको टक करेंगे। टक करके सिंपली हम छोड़ेंगे नहीं, वरना फैब्रिक बाद में लूज़ हो जाएगी, तो इसीलिए एक यू पिन से हम इसको दबा देंगे। और अब हमारी ड्रिपिंग हो गई है कंप्लीट, थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेंगे। वेस्ट चेन कैरी करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लुक और इंटेंस होगी इससे, एंड देन ये आपको मिल जाएगी इस टाइप की फाइनल लुक। सेकेंड जो स्टाइल है उसको क्रिएट करने के लिए आपकी पूरी की पूरी ड्रिपिंग ना इसी टाइप की रहेगी, केवल पल्लू की जो सेटिंग है वो हमारी चेंज होगी। इस स्टाइल में भी पल्लू हमारा पीछे ही जाएगा, लेकिन इस बार फैब्रिक को हम घुमाएंगे नहीं, बल्कि प्लीट्स के बाद सामने की तरफ से ही हम इसको अपने कंधे पे डालेंगे। कंधा हमारा लेफ्ट साइड का ही होगा और उसके बाद यूपिन की मदद से आप ठीक वैसे ही इसको सेट कीजिए जैसे स्टाइल वन में हमने किया था। अब पल्लू की जो लेंथ है वो इस तरीके से घूमकर सामने आ जाएगी, और जैसे ही ये सामने आएगी ना, आपका नीचे वाला बॉर्डर ऊपर और ऊपर का बॉर्डर नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से स्टोन वर्क वाला बॉर्डर हमारे फ्रंट पे आ जाएगा। अब ये वाली जो कॉर्नर है इसको हम अपनी ब्लाउज की ये सामने की तरफ लाकर सिक्योर करेंगे, एंड देन थोड़ी बहुत सेटिंग कर लीजिए। अगर ये बार बार स्टोन वर्क वाला फ्रंट बॉर्डर गिर रहा है तो इसको आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दीजिए ताकि यहीं पे परमानेंटली सेट हो जाए। अब मैंने वेस्ट बेल्ट लगा लिया है जो कि स्टोन वर्क की साड़ी के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, एंड देन ये हो जाएगा हमारा फाइनल लुक। तो हर तरफ से स्टोन ही स्टोन चमकेगा, तो ऐसी साड़ी में आप ये स्टाइल ज़रूर क्रिएट करना। थर्ड स्टाइल के लिए पल्लू को आप सामने की तरफ कर लीजिए और लेफ्ट साइड के शोल्डर पे ही सेट कीजिए। जब आप शोल्डर वाली पिन लगा रहे होंगे तो अपनी ब्लाउज का जो सबसे कंधे की एंड वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे आप पिन लगाइएगा। वैसे तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको रहना है साड़ी में तो आप पिन को छोड़कर यू पिन का हेल्प लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ देर के लिए दिखाने वाली हूँ स्टाइल, इसलिए मैं बस सेफ्टी पिन से सिक्योर की हूँ। अब यहाँ पे जब ये वाली बॉर्डर ऐसे घूमेगी ना तो बहुत अच्छे से आपके फ्रंट पे सेट हो जाएगी, और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने कंधे की पिन को बिल्कुल एंड पे लगाया है। अब यहाँ से ये कॉर्नर घूमकर हमारे ये कमर के पास आएगा और यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाकर, दो या तीन प्लीट्स बनाकर इसको हम ऐसे सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आपका जो भी पिन लगेगा ना वो सामने की तरफ दिखेगा, इसलिए मैं आपको डिज़ाइनर सेफ्टी पिन यूज़ करने के लिए बोलूँगी। बहुत सारे ऐसे पिन्स आती हैं साड़ी के लिए स्पेशली। थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेंगे एंड देन एक वेस्ट चेन कैरी कर लेंगे, एंड देन आपका लुक हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर घर में कोई शादी फंक्शन है तो उसमें साड़ी ड्रेप करने के लिए आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, हर कोई तारीफ करेंगे, लुक बहुत ही प्यारा आता है। फोर्थ स्टाइल क्रिएट करने के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ पेटीकोट का ये केनकेन स्कर्ट। ये फुल्ली ऊपर से नीचे तक ना कॉटन का पेटीकोट है, बस बीच में ये केनकेन का नेट जोड़ दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ना आप इसको घर पे भी बना सकते हो अपने किसी पुराने कॉटन के पेटीकोट को लेकर। वैसे मैंने इसको अमेजोन से ख़रीदा है तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब जब आप इसको पहनने वाले रहोगे ना तो एक बार इसकी नेट को आप दबा देना ताकि पूरी गोलाई से ना ये मतलब कहीं पे ज़्यादा उभरा हुआ या कहीं ज़्यादा पिचका हुआ ना लगे, पूरी गोलाई एकदम बराबर लगे। इस केनकेन पेटीकोट की ना एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि इसमें डोरी और चेन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको अपनी चॉइस के हिसाब से टाइट या कम कर सकते हो। ऐसे मैंने जितने भी अभी तक केनकेन यूज़ किए थे उन सब में इलास्टिक रबर बैंड लगा हुआ था। अब चलिए साड़ी की ड्रिपिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी पल्लू को सेट करूँगी, क्योंकि बॉटम साइड पे ना लहंगा स्टाइल ड्रेप करते टाइम ऐसा होता है कि फैब्रिक इतना ज़्यादा हम यूज़ कर लेते हैं कि पल्लू ही हमारा छोटा पड़ जाता है। तो अगर हम पल्लू को पहले ही ले लेंगे ना तो हमें एक हिसाब मिल जाएगा कि कितना हमें बॉटम साइड में फैब्रिक रखना है। अब पल्लू को सेट करने के बाद इसकी जो एंड है ना, हम इस तरीके से पीछे की तरफ लाएंगे और पीछे की साइड से प्लीट्स बना बनाकर टक करना शुरू करेंगे। पीछे की साइड की प्लीट्स को ना टक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप यहाँ पे किसी और की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि साड़ी पहनते पहनते मैं थोड़ी सी प्रो हो गई हूँ तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। अब ऐसे ही करते करते ना हम एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। अब इस लुक में ना बहुत अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम नॉर्मल तरीके से इसकी जो पल्लू है उसको टक नहीं करेंगे, इसकी सेटिंग हम अलग तरीके से करेंगे, जिसके लिए सामने की ये जो प्लीट्स है ना उसको हम कंधे से एक इंच नीचे की तरफ पकड़ेंगे और ये जो ऊपर वाला बॉर्डर लाइन है इसको ऊपर की तरफ चढ़ाकर हम छोटी सी प्लीट बनाकर सिक्योर करेंगे। अब इसकी एंड को हम ले जाएंगे अपनी ब्लाउज की एंड तक एंड वहाँ पे इसको सिक्योर कर देंगे। तो अब शादी या पार्टी में जाने के लिए आपको लहंगा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल लेंथ की साड़ी को लेकर भी इस तरीके से लहंगा स्टाइल में ड्रेप कर सकते हो।
सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कौन सी स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आई है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और केन का पेटीकोट से भी ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर।